हेलो एंड वेलकम टू देबीना डिकोड्स। आज मैं बताने जा रही हूँ मेरी नानी दादी का सीक्रेट। उन्होंने मुझे ये सब बताया था किस तरीके से बिना किसी केमिकल या प्रोडक्ट्स यूज करके अपनी स्किन को हेल्दी एंड ब्यूटीफुल किया जा सकता है। तो बचपन में जब वो कराती थी तो मुझे बहुत बोर मारता था। मुझे ऐसा लगता था ओ माय गॉड, कौन बैठेगा इतनी देर तक, कैसे धोंगी, इधर सो मेसी कौन बनाएगा। लेकिन जब बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि अगर अपने लिए टाइम नहीं निकालूंगी तो फिर किसके लिए निकालूंगी। आप लोग भी लिखते कि इतना टाइम किसके पास है। सुबह सुबह उठते हैं, बच्चों के पीछे भागते हैं, हस्बैंड के लिए भागते, फिर अपने काम के लिए निकलना पड़ता है। ऑफ कोर्स दिस इज आज की नारी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप अपने लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालें, बिकॉज दैट इज वॉट इज द एसेंस ऑफ अ ट्रू वुमन एंड अ कंप्लीट वुमन। मैं भी काम पे जाती हूँ, काम पे जाने के बाद मुझे याद आता है अरे बाप रे, डेक्स्टर को डॉक्टर बुलाना है, उसको ये दवाई खिलवाना है, गुरमीत के लिए कुछ खाना मैंने रेडी किया है, वो उसने खाया कि नहीं। तो शूट के बीच में भी मैं घर को संभालती हूँ, घर में क्या खत्म हो गया है क्या नहीं हो गया है वो मैं जाके लेकर आती हूँ। मुझे इन सब चीजों की फिक्र हमेशा पड़ी रहती है कि वो केमिकल वाला प्रोडक्ट ना हो। मैं कोशिश करती हूँ जो नेचुरल सब्जियाँ हैं, जो कि यहाँ आपके लोकल फार्मर ठेले पे लाते हैं, और जो कि ऑर्गेनिक है, जिसमें ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं यूज हुए हैं। तो आप अगर सोच सकते कि अगर मैं इतना सोच सकती हूँ तो मैं जो स्किन में लगाती हूँ उसके बारे में नहीं सोचती, और मैं सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स ही लगाती हूँ क्योंकि वो फास्ट है, फटाफट मैं लेती हूँ, शेल्फ से लगाती हूँ और सो जाती हूँ। नहीं, ऐसे भी दिन होते हैं, हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट मैं ये सब करती हूँ, और मैं आज वो सारे नुस्खे आपको पास ऑन कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा है कि मेरा स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन है, ऑयली तो था बहुत ही ज्यादा, प्लस कॉम्बिनेशन भी हो गया, कभी ड्राई कभी ऑयली, कुछ पैचेस में, जो कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं एक फेस पैक बनाती हूँ जो मेरे स्किन को क्लियर रखता है, क्लीन रखता है, और मेरे एक्ने के दाग धब्बे और जो भी एक्ने हुआ पड़ा है उसको ड्राई कर देता है और मेरी स्किन को सप्पल एंड सॉफ्ट बनाता है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले सबसे पहले मैं एक कांच का बॉल लूंगी, मैं उसमें डालूंगी बेसन। ये है कोर्स बेसन, जिसका मतलब है एकदम पाउडर नहीं, थोड़ा सा खड़खड़ा, ताकि आपके स्किन को स्क्रब भी करे। एक चम्मच काफी है क्योंकि फेस और नेक के लिए, अगर बच जाए तो उसे आप नहा भी सकते हैं, तो स्किन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, सॉफ्ट। इसके साथ मैं डालूंगी थोड़ा हल्दी। स्किन के लिए भी अलग हल्दी आता है जो ऑब्वियसली मैं हम इसको खाने में यूज नहीं करेंगे। इसको बोलते केसरी हल्दी, केसरी टर्मरिक। इसको मैं अमेजोन से खरीदू, इट इज 100% नेचुरल। हल्दी उतना ही यूज करें, बहुत ज्यादा नहीं तो स्किन पीला दिखेगा। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है जो आपके स्किन के जो जिट्स है, जो छोटे छोटे एक्ने हैं, जो ऑयल फिल्ड पस हो जाता है फेस में, वो सब कुछ को ठीक कर देता है, उसके बैक्टीरिया को मार देता है। उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हनी। मैं 24 मंत्रा ऑर्गेनिक हनी यूज कर रही हूँ। हनी इज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजिंग एजेंट। ऐसा ना हो कि आपके फेस को क्लीन करने के चक्कर में, उसको स्क्रब करके निकालने के चक्कर में स्किन का जो एसेंशियल मॉइस्चर है वो ही निकल गया। इसके बाद मैं यूज करूंगी थोड़ा सा योगर्ट। प्लीज फ्लेवर्ड योगर्ट मत यूज करिए, प्लेन योगर्ट है, नेचुरल प्लेन योगर्ट वो यूज करिए, दही जिसको बोलते हैं। ये रेडी है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गुलाब जल। मैं कामा आयुर्वेदा का प्योर रोज वाटर यूज कर रही हूँ। आप कोई भी गुलाब जल यूज कर सकते जो कि अच्छा हो, ऑर्गेनिक हो, कोई मेडिकल शॉप से खरीद के यूज करें। अब उसको आप मिलाएं, मेक इट इनटू अ नाइस थिन पेस्ट। अब बन गया हमारा पेस्ट। अभी इसी वक्त मैं हाथ में थोड़ा सा लगा के आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स है नहीं कि आपको पैच टेस्ट करके देखना है, पर फिर भी आप चाहे तो पहले पैच टेस्ट करके देख लीजिए। तो आप इस तरीके से बॉडी में लगा के रगड़ 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 के नहा सकते हैं, और फेस पे भी लगा सकते हैं। फेस में लगाने के बाद थोड़ी देर सूखने दीजिए और उसके बाद अच्छे से धो लीजिए। इसका स्क्रबिंग प्रॉपर्टी आपकी स्किन के डेड सेल्स को निकालता है, उसके साथ उसको मॉइस्चराइज करता है, उसको खुशबूदार बनाता है, बैक्टीरिया से मुक्त करता है। तो कितना सारा चीज आई मीन ये कौन से साबुन में आपको मिलेगा। सो मैं इसको वाइप करके दिखा देती हूँ और देखिए इंस्टेंटली आपको फर्क समझ में आएगा। वो तो थी बात फेस पैक की, तो फेस में अलग से है हमारे लिप्स, तो लिप्स के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। लिप के लिए पैक, लिप के लिए स्क्रब। पैक तो लगा के आप रख नहीं सकते बहुत देर तक, पर आपको स्क्रब करना चाहिए ताकि डेड स्किन निकल जाए और स्किन सपल सॉफ्ट स्मूथ बन जाए और लिप्स का जो डिस्कलरेशन है वो भी कम हो जाए। तो धीरे धीरे करते करते, आई एम नॉट सेइंग कि एक ही बार में होगा, पर करते करते आपके लिप के कलर भी लाइट हो जाएगा। सो उसके लिए मैं दो स्क्रब्स दिखाऊंगी, एक है शक्कर का और एक है नमक का। तो सबसे पहले नमक का स्क्रब करते हैं। ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो आपको घर पे नहीं मिलेगा, आप सब कुछ आपके किचन से ही मिल जाएगा। नमक, ये है सेंधा नमक, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा कोर्स होता है, तो सेंधा नमक जो कि पूजा में यूज होता है हमारे हिंदुस्तान में, पर वो नमक मैं हमेशा खाती भी हूँ और उसी नमक को मैं यूज करूंगी। थोड़ा सा सेंधा नमक ले लिया, उसमें मैं डालूंगी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल। नेचुरल कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल इसलिए डाला ताकि वो मॉइस्चराइज करे। और अब हमें ध्यान देना है डिस्कलरेशन के लिए, उसके लिए है नींबू। तो हमारा लिप स्क्रब तैयार हो गया। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे लिप से डेड स्किन निकल रहा है। तो आपने देख लिया किस तरीके से ये सॉल्ट लिप स्क्रब काम आया। अभी मैं दिखाऊंगी शुगर लिप स्क्रब। उसके लिए डालूंगी शुगर, उसमें मैं डालूंगी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, उसमें मैं डालूंगी ऑर्गेनिक हनी। ये तीनों चीजों का मिश्रण हो गया बनके तैयार। थोड़ी देर रहने दे और उसके बाद इसको भी खा ले। टाडा! अलग से धोने जाने का टेंशन भी नहीं है और लिप स्क्रब भी हो गया। तो ये सॉल्टेड एंड शुगरी लिप स्क्रब आप लोगों ने देख लिया। और जब भी एक्सेस जो भी बच जाए उसको आप एक डिब्बी में भर के रख दीजिए। जब भी यूज करना हो आप निकाल के उसको यूज कर लीजिए। हाँ, लिप केयर के लिए और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है टूथब्रश, है ना। उस टूथब्रश को ब्रश करने के बाद अच्छे से धो के, जिसमें टूथपेस्ट ना लगा रहे, उससे आप लिप को ब्रश कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालने पड़ेंगे और उससे आपके लिप्स रोज रोज स्क्रब हो जाएंगे। आई होप यू लाइक ऑल माई नुस्खे। माई नानी, माई दादी, आई लव यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। उसके साथ साथ आप नीचे लिख के भेजिए कि आपको ये नुस्खा कैसा लगा। इसमें अगर थोड़े बहुत चेंजेस करके आपको कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो वो भी आप लिख के भेजिए। मैं उसको ट्राई करूंगी और बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा और आप सबके सामने ट्राई करूंगी। सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन, टाटा, बाय एंड आई लव यू।